ये देखिएगा, इस लंकू बोलते हैं इसको। इसकी बेलें लगी होती है बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ पे ऊपर भी लगी हुई है। यहाँ दिखेगा नहीं, थोड़ा धूप है। इसकी बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है, लंकू बोलते हैं इसको। तो आज मैं इसकी सब्जी बना के दिखाऊंगा आपको, लंकू की। हिमाचल में ही लगती है इसकी बेल, देखिए। चलो मैं आपको इसकी सब्जी बना के दिखाऊंगा आज, लंकू बोलते हैं इसको। नमस्कार। तो आज मैं आप सबके लिए बड़ी ही मशहूर और बड़ी ही फेवरेट डिश लेके आया हूँ हिमाचल की, जिसका नाम है लंकू। तो लंकू जो है वैसे बेसिकली मेक्सिको से आई है और अभी जो इंडिया के अंदर मिलती है ओनली हिमाचल के अंदर ही मिलती है। तो जो लंकू है उसका बड़ा ही बेनिफिट है अपनी हेल्थ के लिए, जैसे कि बोले इसके अंदर रिच फाइबर होता है, मैग्नीशियम, पोटासियम, जिंक और बहुत सारी प्रोटीन होती है, और इसमें विटामिन सी और स्पेशली विटामिन B9 होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। और जो लोग हार्ट के प्रॉब्लम से परेशान है तो उनके लिए रामबाण है, जैसे कि ब्लड प्रेशर जिसका हाई हो जाता है उस पर ये बड़ा काम करता है, और जिसको हार्ट डिजीज जितनी भी प्रॉब्लम है हार्ट की तो उनके लिए रामबाण है। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ के बेनिफिट है और जीरो फैट है इसमें। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे बनती है लंकू की सब्जी, हिमाचली लंकू की सब्जी। सबसे पहले मैंने लिया है लंकू, तो इसको बोलते हैं लंकू गैस। देखिए, इसके अंदर सीड होता है, उसको निकालना पड़ता है। जो इसकी स्किन है इसको पील करके फिर आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, और इसको आप मोटे मोटे पीस में भी काट सकते हैं। इसके अंदर एक सीड होता है, एक गुठली होती है, उसको निकालना पड़ता है। तो ये हिमाचल में ही लगता है बेल में, इसको बोलते हैं लंकू। और इसके लिए मैंने लिए 2 अनियन, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे, नमक, धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मिक पाउडर, हल्दी, जीरा, अस्पटिडा, हींग एंड आमचूर पाउडर। तो आप देख सकते हैं ये होल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेरे को लंकू बनाने के लिए चाहिए। So guys, let's start. I will show you the further process. सबसे पहले हम इसमें तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का यूज करेंगे। तो गैस सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को स्मोकी पॉइंट तक लेके आएंगे। अगर हम इसको स्मोकी पॉइंट तक नहीं लेके आएंगे तो जब हम इसको खाएंगे तो डेफिनेटली हमें एक रोज सी स्मेल आएगी, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है इसकी, तो वो आएगी। तो सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल को जलाएंगे जैसे स्मोकी पॉइंट तक। तो अभी मेरा मस्टर्ड ऑयल जो है वो हो चुका है। अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ क्यूमन सीड्स, और ये डालेंगे उसको अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें मैं डालूंगा अनियन, अच्छे से पका लेंगे। मेरा तेल गर्म था इसलिए मेरा जीरा और ये जल्दी से हो गया। अब मैंने इसका अनियन डाला है और अनियन को कुक करूंगा फिर जब तक कि हमारे अनियन का कलर जो है ब्राउन नहीं हो जाता। जो इसकी रोज स्मेल है, किसी स्मेल है, उसको हमने निकालना है अनियन से। हम थोड़ी देर वेट करेंगे अनियन को ब्राउन होने की। हमारा अनियन जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इस पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूंगा। तो इसमें मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। जो जिंजर गार्लिक की रोस्ट मैल है उसको हमने भगाना है, उसे अभी कई देर जो हमारा जिंजर गार्लिक है उसकी थोड़ी स्मेल रही है, फिर उसको अच्छे से कुक करेंगे ताकि जो उसकी रोस्ट मैल है वो सारी निकल जाए उसको। हमारा अनियन पक चुका है। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ हल्दी, टर्मिक पाउडर, उसके बाद मैं डालूंगा रेड चिली पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर, उसके बाद मैं धनिया डालूंगा, धनिया पाउडर मिनिमम 3 चम्मच,
और एक बड़ा चम्मच में डाल रहा हूँ नमक, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। तो वैसे अब इसमें हम नींबू डालेंगे, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं कोई पानी नहीं डालूंगा, इसको स्लो आंच में मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगा। तो वैसे अब इसमें हम नींबू डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं कोई पानी नहीं डालूंगा, इसको स्लो आंच में मैं 10 से 15 मिनट के लिए कुक करूंगा। इसमें मैं ढक्कन लगा दूंगा। तो मेक श्योर गैस आपकी जो गैस फ्लेम है स्लो हो, और मैं इसको अब दम में पकाऊंगा स्लो आंच में 10 से 15 मिनट के लिए। सो गाइस 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। मिक्स कर रहा था जी, तो ऑलमोस्ट हमारी सब्जी हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ आमचूर, आप सीधी मकड़ियाँ भी डाल सकते हैं। आम की जो होती है मकड़ियाँ बोलते हैं हिमाचल में उसको, वो भी खट्टा पानी देती है। ये उस चीज़ का ही पाउडर है, इसमें थोड़ा सा खटास के लिए हम डालते हैं, और ये बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। अब मैं इसको लेड लगाऊंगा और इसको स्लो आंच में 5 मिनट के लिए कुक करूंगा। सो गाइस 10 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारी जो सब्जी है बन के रेडी हो चुकी है, देखिए। तो चलिए और इसको सर्व करते हैं। तो ये सब्जी जो है हमारी बन के तैयार है। अब मैं जो है इसको कॉपर के बर्तन में सर्व करूँगा। इसकी अंदर की परत है, इसकी बाउल की, सर्विंग बाउल की वो स्टेनलेस स्टील है, और बाहर से ये प्योर कॉपर है जो पुराना समय आ चुका है। देखिए पहले हम यही यूज़ करते थे कॉपर के बर्तन, क्योंकि आपको पता है एल्युमिनियम से बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि एल्युमिनियम के बर्तन जितने कम हो सके उतने आप कम कीजिए। तो आज मेरे पास जो है धनिया नहीं है, तो आप इसके ऊपर धनिया भी डाल सकते हैं एज ए गार्निश। तो गाइस हमारी जो लंकू की सब्जी है बन के रेडी हो चुकी है। तो आई होप बाय वॉचिंग दिस वीडियो यू विल अंडरस्टूड द रेसिपी हाउ टू मेक इन लंकू की सब्जी फॉर हिमाचल स्टाइल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।